आजाद है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना था, विद्यालय के ठीक बगल में मैं यहीं रहता था। अरे भाई भाई, व्यस्तता बहुत रहती थी इसलिए आ नहीं पाता था, लेकिन आज मैं जी डी गोयल का CBSE बोर्ड द्वारा संचालित इस विद्यालय में आकर के बहुत प्रसन्नचित भी हूँ, बहुत गौरवान्वित भी हूँ। और विद्यालय के चेयरमैन श्री सर्वेश गोयल जी ने 7 वर्षों के कार्यकाल में टॉप 50 में अपना स्थान बनाने का काम किया है, इसके लिए मैं गोयल साहब को भी, प्रिंसिपल रविन्द्र पांडे जी को भी, और यहाँ के जो बच्चे और अभिभावक, उन सबको भी बधाई दूंगा, क्योंकि कभी भी इस प्रकार की सफलता एक तरफ से नहीं मिलती है कि चेयरमैन बहुत कुछ चाहे, प्रिंसिपल अपना प्रयास न करें, प्रिंसिपल बहुत चाहे उनके सहयोगी टीचर्स प्रयास न करें, टीचर्स बहुत चाहे बच्चे परिश्रम ना करें, बच्चे बहुत चाहे अभिभावक उसमें सहयोग ना करें, तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मैं इस अवसर पर, मुझे आपके वार्षिक उत्सव का हिस्सा बनने का मौका मिला है, मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप टॉप 50 में नहीं, पूरे देश में आप प्रथम स्थान पर आएं, हमारी ये शुभकामना है। आज चूंकि वार्षिक उत्सव का जब आयोजन होता है, हम भी एक बच्चे के रूप में जब किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते रहे थे, और उस समय बच्चों के प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के बीच में भाषण होने लगे, मुझे लगता है बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, अभिभावकों को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ज्यादा बातें न कह करके बस एक लाइन की बात कहूँगा कि निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का यानी इस धरती का कल्याण न भूले। अभी बहुत सारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मैंने बच्चों के बहुत अच्छे शानदार कम समय में जो आपने प्रदर्शन किया है, मैं हर बच्चे को बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, जैसा अभी बताया कि हम